नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सीएन भारत और वक्त है सीएन रफ्तार का। ककनार में विकासखंड स्तरीय निःशुल्क आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। सागर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत मकरोनिया रोड के कटवापुल में पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिया निर्माण के दौरान बीच में लगे पेड़ को लापरवाही पूर्वक काटा जा रहा था। रोड से गुजर रहे वाहन चालकों ने इसको लेकर हिदायत दी, बावजूद कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात देते हुए 21,13,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। शहडोल जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत जयसिंह नगर में सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायत तगावर से ग्रामीण सहित पंच उप सरपंच अपनी फरियाद लेकर जनपद कार्यालय पहुंचे। पितृपक्ष में पूर्वजों और पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हमारे पूर्वज मृत्यु लोक से धरती लोक पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितृपक्ष के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अशोकनगर में भाजपा सांसद पर जानलेवा हमले की आशंका की खबर सामने आई है। गुना शिवपुरी अशोकनगर के भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से लौटते वक्त कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया गया, साथ ही अपशब्दों का भी प्रयोग किया। नगर परिषद मुंदी के सफाई कर्मियों की 14 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। वहीं नवीन सीएमओ ने सफाई कर्मियों से चर्चा की, लेकिन सीएमओ सफाई कर्मचारियों को मना कर हड़ताल समाप्त नहीं करवा पाए। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी यूएससीएल द्वारा एक बस को 2-4 बार नहीं बल्कि पूरे 72 बार ई चालान बनाया गया है, फिर भी सुधार नहीं हुआ। 72 बार बने ई चालान जमा ना करने पर अब बस जब्त करने की कार्रवाई होना है। कंपनी का कहना है कि जब तक पूरी चालान राशि जमा नहीं की जाती, मालिक ना बस को बेच सकेगा ना उसका बीमा करवा सकेगा। उज्जैन में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शहर में घूम रहे सुअर को पकड़ने के लिए इंदौर के ठेकेदारों को ठेका दिया था। वहीं अब निगम की टीम और होमगार्ड की टीम सुअर पकड़ने पहुंची तो सुअर पालकों ने गुंडागर्दी करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की। अमरवाड़ा में नई आबादी स्थित दोहरे गोलीकांड को छिंदवाड़ा निवासी सोनू मालवीय ने क्लिनिक पर गोलीबारी की थी, जिसमें दंपति की मौत को घाट उतारा था। उसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी रोड पर उतरकर आंदोलन कर शासन प्रशासन को कोसते नजर आए। धार जिले के राजगढ़ में 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का दौरा है, वह यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस इस सभा के जरिए मालवा की धार झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन की 37 सीटों पर प्रभाव रखने वाले आदिवासियों वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। बिना के नगरीय क्षेत्र में विधायक ने 5 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ पार्षद गौरीशंकर रॉय सहित कई भाजपा नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता उपमंडी मुंदी में खरीदी चालू करने को लेकर भारतीय किसान संघ मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें मंडी से खरीदी न करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने और किसानों से सीधे खरीदी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जबलपुर में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में आगमन होना है, जिसको लेकर जबलपुर पुलिस के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने मीडिया से चर्चा की। विजयपुर विकास खंड के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर सामूहिक अवकाश लिया। वहीं शिक्षकों ने ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दिग्विजय सिंह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी और मोहन भागवत चुनावी स्टंट आजमाते हैं, आजकल मुसलमान की बात भी करते हैं और मस्जिद भी जाते हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, लेकिन मोदी ना तो वहां पर गए और ना ही वहां की स्थिति सुधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में फाइनल वोटर लिस्ट पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस मुस्कान की गारंटी पर ट्वीट किया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है और बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मुस्कान की नहीं विनाश की गारंटी है।
बागली में अवैध रूप से सगवान की लकड़ी का परिवहन करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने फिल्म स्टाइल में पीछा करके पकड़ा। लकड़ी तस्कर ने फिल्म स्टाइल में बैरिकेड्स तोड़ते हुए कई वाहनों पर आयसर चढ़ाते हुए भागने का प्रयास किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पहले ही 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। सूत्रों के हवाले से माने तो वर्तमान में जो कांग्रेस से विधायक हैं उनमें से 30 लोगों के नाम काटे जाने की चर्चा है। अमरवाड़ा में गौवंश से भरा ट्रक और एक कार में भरे गौवंश को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। इन दोनों गो तस्करी के मामले को लेकर तस्कर बैकऑफ होकर तस्करी कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी महामंत्री नंद किशोर ठाकुर का नाम ना होने से महामंत्री के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता भी काफी निराश है, जिससे समर्थकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नारेबाजी की। फिलहाल एशियन रफ्तार में इतना ही, आप देखते रहिए एशियन भारत।